चला था कि सरकार ने बड़ा बिल वापस ले लिया, एक उसे जुड़ा हुआ था जो अभी सरकार के द्वारा एक इसी सत्र में बिल लाया गया था अगली बार CA NRC, एक उसको वापस करने की भी कुछ आवाजें उठ रही हैं। आपको लगता है सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और आपका क्या मत है इस पर? हमने ये बात कही है कि जो सरकार के इन तीन बिलों का मसला था, दर हकीकत ये लाइन उनको CAA के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहा था उसी से मिली है। उनका एहतजाज शाहीन बाग के अंदर, कलकत्ते में, लखनऊ में और दूसरी जगहों के ऊपर कई कई महीने चला, जिसके अंदर मर्द और औरतें सब के सब शरीक हुए। हम ये समझते हैं कि ये तो कारोबार से मुतालिक चीज़ थी और वो हिंदुस्तान की नेशनलिटी से मुतालिक चीज़ है, और उसका बड़ा भारी नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ेगा अगर खुदा न खास्ता वो कानून अपनी जगह पर रह गया। इसलिए हमारा नज़रिया ये है और हम ये समझते हैं कि चूँकि जनता की ताकत हर ताकत से मुल्क की, चाहे वो असम्बली की हो या पार्लियामेंट की हो, जनता की ताकत उससे ज़्यादा भारी और भरकम ताकत है। इसलिए मुसलमानों के सिलसिले के अंदर भी इस बिल को वापस लिया जाए जो वो बना रहे हैं।